Hello friends, I am Priyanka Sharma, student of Infra Study. Today we learn Prim's algorithm. Prim's algorithm का एक question हमारे NEET 2020 के exam में आया था. आज हम उसको discuss करेंगे. Before that, what is the Prim's algorithm? Prim's algorithm is a greedy algorithm that points a minimum spanning tree for a weighted undirected graph. Prim's algorithm में एक weighted undirected graph दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज आल्सो नोन एज जेनरिक्स एल्गोरिथम. अब प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड के लिए यदि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो हमें एक स्टार्टिंग वर्टेक्स लेना पड़ेगा और उस वर्टेक्स के थ्रू हम एजेस विजिट करते जाएंगे लास्ट नोड तक, बट उसमें उस एज को विजिट करेंगे जिसके कॉस्ट मिनिमम हो. कुछ बातें ध्यान रखने वाली है. फर्स्ट इज रिमूव ऑल लूप्स टू गिवन ग्राफ. जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें यदि लूप है तो हम उसको रिमूव करेंगे. जैसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सी पर एक लूप है, हम उस लूप को रिमूव कर देंगे. सेकंड, रिमूव ऑल पैरेलल एजेस. यहाँ पर ए टू बी में एक पैरेलल एज है 9, हम इसको रिमूव कर देंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने से पहले. अब जो बचा हुआ ग्राफ रहेगा हम उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे. डोंट फॉरगेट टू चेक प्रीवियस नोड्स लोएस्ट कॉस्ट. हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उससे कनेक्टेड प्रीवियस नोड्स की यदि कोई मिनिमम कॉस्ट वाली एज है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. अब हम देख लेते हैं नेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था जिसमें कंसिडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ बिलो. एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, उसमें लिखा है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टार्टिंग विथ नोड ए. नोड ए से हमको स्टार्टिंग करनी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एजेस रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल ऑर्डर इन विच द एजेस वुड बी एडेड टू कंस्ट्रक्ट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. हमें सीक्वेंस एजेस का जो सीक्वेंस है हमको वो फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ए से हम स्टार्टिंग करते हैं तो ए टू बी एंड ए टू एच दो एजेस है. ए टू बी दैट इज 4 एंड ए टू एच इज 8. मिनिमम कॉस्ट है 4 तो हम ए टू बी को कंसिडर करेंगे. ए टू बी से आने के बाद में कौन कौन सी एजेस निकलती है, बी टू सी दैट इज 8, ए टू एच दैट इज 8 एंड बी टू एच दैट इज 11. बी टू सी एंड ए टू एच बोथ आर 8 तो हम दोनों भी एज को कंसिडर करके चलेंगे. एक ग्राफ में हम बी टू सी लेंगे और एक ग्राफ में हम ए टू एच लेंगे. कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकता है या दोनों भी बन सकते हैं. अब हम ए टू एच ले लिए और बी टू सी ले लिए. अब ए बी सी फर्स्ट ग्राफ में ए बी सी से जो कनेक्टेड एजेस है हम उसको देखेंगे. ए टू एच 8, बी टू एच 11, सी टू आई 2, सी टू एफ 4, सी टू डी 7. इसमें मिनिमम कॉस्ट है सी टू आई दैट इज 2, हम इसको लेंगे. इसके बाद सेकेंड ग्राफ में सी बी एंड एच इससे कनेक्टेड एजेस देखेंगे. बी टू सी 8, बी टू एच 11, एच टू जी 1 एंड एच टू आई 7. एच टू जी 1 दैट इज मिनिमम कॉस्ट, हम एच टू जी को लेंगे. नेक्स्ट, अब ए बी सी आई फर्स्ट ग्राफ में ये चारों से कनेक्टेड जो एजेस है हम उसको देखेंगे. ए टू एच 8, बी टू एच 11, सी टू एफ 4, सी टू डी 7, आई टू एच 7 एंड आई टू जी 6. इसमें मिनिमम कॉस्ट वाली एज है सी टू एफ दैट इज 4, सो वी कैन टेक सी टू एफ दैट इज 4. इन ग्राफ टू B2C 8, B2H 11, H2I 7, G2I 6 and G2F 2. So minimum cost is 2. So we can take G2F that is 2. Now after the take C2F. F में आने के बाद में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी edges connected है. F2T 14, F2E 10 एंड एफ टू जी 2. तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, एफ टू जी 2, तो हम एफ टू जी को कंसिडर करेंगे. ग्राफ नंबर 2 में एफ पे आने के बाद में एफ टू सी 4, एफ टू डी 14, एफ टू
ई 10, एफ टू सी 4, दैट इज मिनिमम। सो हम एफ टू सी को कंसिडर करेंगे। अब इस ग्राफ में, इसमें वन, ग्राफ नंबर वन में जी से कनेक्टेड जी टू आई दैट इज 6 एंड जी टू एच दैट इज 1, तो हम 1 को कंसिडर करेंगे। एंड ग्राफ नंबर टू में सी से कनेक्टेड सी टू आई दैट इज 2, सी टू डी दैट इज 7, तो हम सी टू आई को कंसिडर करेंगे दैट इज 2। अब ये ग्राफ बन गया। अब इसमें एच, ग्राफ नंबर वन में एच टू ए दैट इज 8 एंड सी टू डी, सी से कनेक्टेड सी टू डी ही है 7, तो हम सी से डी 7 को कंसिडर करेंगे। ग्राफ नंबर टू में सी टू डी 7 है एंड आई टू एच ऑल्सो 7, हम आई टू एच को और सी टू डी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट यदि हम आई टू एच लेंगे तो यहाँ पे लूप बन जाएगा, हमको लूप नहीं बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में लूप नहीं होता है, तो हम सी टू डी को कंसिडर करेंगे। अब सी टू डी आने के बाद में डी से कनेक्टेड है डी टू एफ 14, बोथ इन बोथ ग्राफ डी टू एफ 14 डी टू ई 9, तो हम 9 को कंसिडर करेंगे। ये हमारा बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये दोनों भी ट्री करेक्ट हैं, बिकॉज जब हम इन एजेस को लेकर के प्लस करते हैं तो दोनों का आंसर आता है 37। तो क्वेश्चन में नेट 2020 के एग्जाम में दोनों भी ऑप्शन दिए हैं और दोनों भी ऑप्शन करेक्ट हैं। एंड फाइनल आंसर की, पहले जो आंसर की निकली थी उसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था, बट फाइनल आंसर की में दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? बिकॉज दोनों का प्लस करने के बाद में 37 आंसर आ रहा है, सो बोथ स्पैनिंग ट्री आर करेक्ट। Thank you.